आमिर जी आपके पास आऊंगी मैं, सुन लीजिए सुन लीजिए, केसी जैन जी को सुन लीजिए। नहीं हम सुन रहे हैं, मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है, मनवाना नहीं है। आप माना जाना मामला कहा चाकू से गोद करके कलावा बांध करके हिंदू बन करके एक साक्षी बेटी की हत्या करना है। सर अब सवाल कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है को मिक्स करना। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनिए मयूरी जी, बिल्कुल देखिए जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जहां पर एक परिवार के लोग एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार के व्यक्ति दूसरे सदस्य की हत्या कर दे, एक प्रेमी दूसरी प्रेमिका की हत्या कर दे, तो हर जगह पे पुलिस नहीं रह सकती है। लेकिन ये जो गंदी मानसिकता है, जो मदरसों में प्रशिक्षण दिया जाता है रेप हिंदू लड़कियों को फंसाने की, ये उसका परिणाम है। और ये सारे मदरसों में नहीं होता, सुन लीजिए, लेकिन कट्टरपंथी जो मदरसे है वहां पे ये बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ऐसे भी है जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, सरकार ये चाहती है। आमिर साहब आमिर जी सुन लीजिए, आमिर जी सुन लीजिए, आपको भी मौका दूंगी, सुन लीजिए। ऐसे लोगों को ऐसे हत्यारों को ऐसे रेपिस्टों को आप बताते हैं, आप बहुत गंदी मानसिकता की व्यक्ति है, बहुत ही तुच्छ मानसिकता की व्यक्ति है। आप लोग अपनी बात रखिए, बहुत गंदी मानसिकता की व्यक्ति है। आप मदरसों के नाम पर जो मदरसे चल रहे हैं, कट्टरपंथी मदरसे, सारे मदरसे नहीं है, सारे मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन मदरसों में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बिल्कुल जो है गलत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसी का परिणाम होता है। कोई भी अपनी प्रेमिका की हत्या इस तरीके से नहीं कर सकता, वही करेगा जो बहुत कट्टर विचारधारा का है। क्या गलती थी उस बेटी की, बेटी की क्या गलती थी? आमिर जी आपको मौका दूंगी, सुन लीजिए केसी जैन जी को, सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगी। नहीं सुनेंगे, ये कट्टरपंथी व्यक्ति है और बहुत गंदी मानसिकता का व्यक्ति है।